सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार के बाद एक्शन में दिल्ली के एलजी। टैंकर माफिया पर दिल्ली एलजी ने लिया कड़ा एक्शन। मुनक नहर पर कड़ी निगरानी रखने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश। मुनक नहर से पानी चोरी रोकेगी दिल्ली पुलिस। टैंकर माफिया पर नकेल कसने मुनक नहर पर हरियाणा से दिल्ली तक तैयार की गई फोर्स। भीषण जल संकट से जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली में पानी पर प्रपंच जारी है। राजधानी के कई इलाकों में पानी के लिए चौतरफा त्राहिमाम मचा हुआ है। पीने के पानी की किल्लत का सामना कर रहे दिल्ली वालों को पीने के लिए पानी का साफ पानी कैसे मिले, इस पर एक्शन लेने के बजाय जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में लगे हैं। पानी की कमी पर आप सरकार हरियाणा को घेरने में लगी है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि हरियाणा की तरफ से कम पानी दिया जा रहा है, जिस वजह से दिल्ली में पानी की कमी हुई है। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि वह पानी देने में कोई कटौती नहीं कर रहा है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली एलजी एक्शन में आ गए हैं और टैंकर माफिया के साथ ही पानी सप्लाई माफिया पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद एक्शन में आई दिल्ली पुलिस मुनक नहर इलाके में एक्टिव हो गई है। गुरुवार सुबह बड़े तड़के से ही दिल्ली पुलिस की टीम मुनक नहर के किनारे गश्त कर रही है, जिसके बाद मुनक से पानी चोरी करना अब दिल्ली में सक्रिय पानी सप्लाई माफिया के साथ ही टैंकर माफिया के लिए भी आसान नहीं होगा। और गलती से भी यदि कोई टैंकर वाला मुनक नहर से पानी निकालते हुए पकड़ा गया तो इसके खिलाफ सख्त पुलिसिया कार्रवाई होगी।